नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F13 vs Infinix Hot 11 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F13 में 6.51 इंच जबकि Hot 11 2022 में 6.56 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F13 में 3.03 इंच जबकि Hot 11 2022 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F13 में 0.37 इंच जबकि Hot 11 2022 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F13 में 207 ग्राम्स जबकि Hot 11 2022 में 195 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F13 में LCD जबकि Hot 11 2022 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F13 में 6.6 इंचेस जबकि Hot 11 2022 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy F13 में 1080x2408 और Hot 11 2022 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F13 में 82.68% जबकि Hot 11 2022 में 84.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F13 में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Hot 11 2022 में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F13 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 11 2022 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy F13 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 11 2022 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy F13 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Hot 11 2022 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F13 में Mali G52 जबकि Hot 11 2022 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F13 में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Hot 11 2022 में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Hot 11 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy F13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Hot 11 2022 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy F13 में Android V12 जबकि Hot 11 2022 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F13 में 6000 mAh जबकि Hot 11 2022 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी F13 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें हॉट 11 2022 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी F13 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी F13 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में हॉट 11 2022 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।